तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चूंकि ये रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म की है, तो रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म को हमेशा डील करते हैं हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना के। तो सबसे पहला काम होगा आपके पास कि आप इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x+1 का परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है, अदरवाइज आपके पास दूसरा तरीका आपका जुगाड़ है ना। तो जुगाड़ हम नहीं बता रहे हैं, हम फॉर्मूले से बता रहे हैं ताकि जो हमेशा ही आप अप्लाई कर पाओ। जुगाड़ कभी कभी आप नहीं लगा पाते हो जल्दी में, है ना, या गलत कर सकते हो। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है आपके पास, -1 है। बी की वैल्यू क्या है आपके पास, -4 है। और सी की वैल्यू आपके पास 1 है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स -4 का स्क्वायर और -4, ए -1 हो गया और सी हो गया 1, तो ये हो गया 16 और +4 20 आ गया आपका। तो दैट कम्स आउट टू बी डिस्क्रिमिनेंट 20 हो गया। अब क्या होता था, जैसा फॉर्मूला डिस्प्ले हो रहा है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, ए टाइम्स मतलब -1 टाइम्स एक्स और प्लस बी बाई 2a। तो बी कितना है आपका, प्लस -4/2 इंटू ए आपका -1 है का होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a स्क्वायर। तो 20/4a स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर। तो आप पूरी तरह से लिख दिया करिए, फिर आराम से सॉल्व करिए ना कि क्या चीज़ क्या होने वाली है। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये -1 और ये माइनस कैंसिल हो गया। और फिर 2 2 जा 4, तो यहाँ फाइनली क्या आ गया आपका, 2 आ गया। यहाँ देखिए -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और फिर 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। 4 5 जा 20, यहाँ पर कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। और 5 को क्या लिख सकते हैं आप, √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दैट वुड बी रिटर्न एज √5 का स्क्वायर। एक काम और कर लीजिए, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इट बिकम √5 का स्क्वायर, क्योंकि ये निगेटिव था ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव टर्म था निगेटिव हो जाएगा, माइनस का x+2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। ये स्टेप्स आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर परफेक्ट स्क्वायर आप डायरेक्ट भी लिख देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे आपने मेहनत किया है तो ये तो बनता है दिखाना, है ना, एग्जामिनर को कि चलिए हमने ऐसे किया है, छोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर, अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, दैट इज इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ √5 का स्क्वायर एंड माइनस x+2 का होल स्क्वायर dx हो गया आपका। अब यहाँ पे क्या कर लें, लेट x+2 को pa ज़ूम कर लें, तो क्या हो जाएगा आपके पास, dx=dt हो जाएगा। दैट इज इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ √5 का स्क्वायर एंड -t²dt। किससे मैच कर रहा है, ये अंडर रूट a²-x² से मैच कर रहा है, बशर्ते x जगह पे t है यहाँ पे। इसका मतलब ये इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक पार्ट तो इसका साइन इनवर्स हो जाएगा, और एक पार्ट क्या होता है आपका, 1/2 टाइम्स एक्स, एक्स मतलब यहाँ पे टी हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक आपकी क्या थी, √5 का स्क्वायर मतलब चलिए √5 का स्क्वायर -t² और +a²/2, ए स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर मतलब 5/2, और साइन इनवर्स x/a मतलब t/a। तो साइन इनवर्स t/a, a मतलब कितना हो गया आपका, √5 हो गया, प्लस इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट c हो गया, है ना। अब t चूंकि आपका डमी वेरिएबल है, तो आंसर तो डमी वेरिएबल के टर्म में हम देंगे नहीं, तो t को आप क्या करोगे, रिप्लेस करोगे। t क्या हमने एज्यूम किया था, x+2, तो ये हो जाएगा आपके पास x+2 टाइम्स, अब यहाँ भी x+2 डालिए, फिर सॉल्व करिए, है ना, एक क्वाड्रेटिक आएगी, वो कौन सी क्वाड्रेटिक होगी, वो यही वाली क्वाड्रेटिक होगी। क्यों इतना दिमाग लगाएं और टाइम लगाएं, हम लोग उसी को छाप देते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका, 1 -4x और -x² प्लस 5/2 साइन इनवर्स x+2 अपॉन √5 और प्लस इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट c, दैट इज योर फाइनल आंसर।